रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने चेंबर के कार्य की प्रशंसा की। मंगलवार की शाम पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर विधानसभा केंद्र से नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती अपनी टीम के साथ पब्लिक टाइम्स कार्यालय पहुंचे। पब्लिक टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल ने उत्तरीय व मोमेंटो सप्रेम भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर युवा व्यवसायी मनोज गुप्ता भी नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती के साथ उपस्थित थे। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने पब्लिक टाइम्स कार्यालय में कुछ वक्त बिताया और पूरी टीम के साथ अपनी भावी योजनाओं और चुनाव के दौरान आप बीती घटनाओं का जिक्र किया। विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि पब्लिक टाइम्स के साथ उनका पुराना लगाव है, इसलिए वो विधायक बनने के बाद पहली बार रानीगंज में पहुंचे तो पब्लिक टाइम्स कार्यालय में ही पहले पहुंचे। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि राजनीतिक जीवन में भी रानीगंज से बहुत ही पुराना लगाव है, क्योंकि छात्र राजनीति की शुरुआत TDB कॉलेज से ही की थी। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। चेंबर के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मंगलवार की देर शाम चेंबर के सभा कक्ष में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपने सेवा कार्यों से अलग पहचान स्थापित की है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के समस्त व्यावसायिक संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक की थी और इस बैठक के दौरान उन्होंने कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स के बाद ही रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम लिया था। इसी से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को कितना मानती है। चेंबर के सदस्यों द्वारा कुछ मांगे भी रखी गई, जिसे लेकर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि वे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बनर्जी से बात करेंगे और जरूरत पड़ने पर चेंबर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ विशेष बैठक भी करेंगे। हम इसके साथ सहमत नहीं है, क्योंकि প্রথমত আমি ক্ষমা চাইছি দেরি করে আসার জন্য, আর দ্বিতীয়ত কয়েকদিন আগে DMA চেম্বারে একটা মিটিং হয়েছিল, ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছিল। আমার নেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ক্যালকাটা চেম্বারকে কোথায় প্রথম দেখেছিলেন, তারপরে জিজ্ঞেস করছেন রানিগঞ্জ চেম্বার কোথায়। इस अवसर पर चेंबर के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, सलाहकार कन्हैया सिंह, राजेंद्र प्रसाद खैतान, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।